उज्जैन के सिंधी समाज के सिंधु सेना के दो भाई किशोर मुलानी और विनोद मुलानी और उनका परिवार के सदस्य लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों को दे रहे हैं पौष्टिक भोजन। कभी गुलाब जामुन तो कभी खोपरा पाक, पनीर की सब्जी तो कभी मेथी पूरी। जी हाँ, लॉकडाउन में लंबे समय से काम और रोजगार के अभाव में खाने की समस्या से जूझ रहे लोगों को सिंधु सेना उज्जैन प्रतिदिन 2 से 2,500 भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा रही है। सेना के सदस्य भोजन निर्माण में भी सहयोग कर रहे हैं। भोजन में शामिल मेन्यू में रोज परिवर्तन कर लोगों की जायका बदलने का प्रयास भी किया जा रहा है। बच्चों की पसंद के हिसाब से मिठाइयां भी खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन किए जाने से जहां गरीब मजदूर वर्ग के लोगों के सामने काम के अभाव में भोजन की समस्या आ खड़ी हुई है, ऐसे में अनेक सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंद लोगों की बस्तियों में जाकर उन्हें भोजन के पैकेट वितरित कर रहे हैं। उज्जैन सिंधु सेना के महिला पुरुष सदस्य सुबह से भोजन निर्माण में शामिल होते हैं और नित नए व्यंजन बनाकर गरीब मजदूर तबके में वितरित करने निकल जाते हैं। यह सिलसिला 28 दिनों से अनवरत जारी है। हमारे को आज पूरे 1 तारीख से हमने यह भोजन की शुरुआत करी थी। आज पूरे हमारे को 28 दिन हो गए और सिंधु सेना उज्जैन द्वारा लगातार जरूरतमंद लोगों तक हम भोजन पहुंचा रहे हैं और रोज़ हम मेथी पूड़ी, छोले की सब्जी और रोज़ एक मीठा बनाते हैं। जैसे कभी खोपरा पाक बना देते हैं, कभी बेसन चक्की, कभी देसी घी का हलवा। कल हमने बालूशाही बनाई थी, आज मीठे में हमने गुलाब जामुन बनाए हैं और छोले की सब्जी, पूड़ी, अचार और हरी मिर्ची तली हुई और ज़रूरतमंद लोगों तक रोज़ हम पहुंचाते हैं। अपन रोज़ कुछ क्या अलग अलग जैसे आइटम्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि रोज़ पूड़ी बनाएँ, पूड़ी सब्जी बनाएँ, अपन रोज़ अलग अलग बना रहे हैं। इसमें जैसे कभी उपमा बना देते हैं, मीठे में रोज़ अलग अलग बना रहे हैं, गुलाब जामुन हो गया, मावा बाटी हो गई और खोपरा पाक हो गया, अभी पनीर की सब्जी भी बनाई थी अपन ने। तो रोज़ कुछ ना कुछ अलग बना रहे हैं और मतलब छोटे बच्चों को देते हैं, जैसे किसी भी बस्ती में जाते तो वो लोग खुश हो जाते हैं देख के, बोले कि नहीं यार ये लंच पैकेट बहुत अच्छा है, इसको खाना चाहिए, वो यूज़ आता है खाने में। हम लोग यहाँ पर डेली सुबह को आ जाते हैं। सुबह को आने के बाद सारा काम स्टार्ट हो जाता है, पहले आटा गूंदना वगैरह हो जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर हर चीज़ बनती है। जैसे भैया ऑर्डर करते हैं, मतलब जैसे बड़े वो हैं तो ज़्यादा जैसे डायरेक्शन देते जाते हैं कि इस हिसाब से बनाना है, ऐसा ऐसा बनाना है, तो हम लोग भी उस प्रकार से गाइड करते जाते हैं। और ये लोग, इतने सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो रोज़ अपना काम करने आते हैं, सेवा देने आते हैं। सो हम लोग कभी पूड़ी बना लेते हैं, कभी चपाती बना लेते हैं, कभी सब्जियाँ रोज़ अलग अलग बनती है, कभी कोई सब्जी बनती है, मीठे में भी सब साथ में चलता रहता है, कभी कोई मिठाई बनती है, कभी बालूशाही वगैरह बन जाती है, कभी खोपरा पाक बनता है। तो सुबह से आके काम वाम करके हम लोग सब यहाँ पर सेवा देके उसके बाद फिर बांटने का जो काम रहता है वो भी करने जाते हैं। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।